नमस्कार हूँ आदर्श छू वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसायटी हेलो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट फोर ऑफ चैप्टर फोर हीट। स्टैंडर्ड सेवंथ साइंस इन द लास्ट पार्ट वी डिस्कस्ड दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज इट एंड सो लेट मी आस्क यू व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर Of course, it is minus ten degree Celsius to minus hundred and ten degree Celsius, isn't it? That what we discussed, as well as what we discussed. You know that if you want to measure the temperature of such th substance, then how to keep the uh, that laboratory thermometer? That is also we discussed, isn't it? So what is what it was. We should keep it straight. It should not uh, straight means vertically. That as well as it should not be tilt. It should not touch the bulb of the thermometer should not touch the surface of the beaker like that. That what we discussed in the last part. Okay. Now in this part, there is activity 4.5. So let's discuss activity 4.5. Take some hot water. What? हॉट वोटर इन ए बीकर और ए मग डिप दी थर्मोमीटर इन वोटर अब आप कैसे डिप करोगे जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो वोटर के अंदर रखना है ठीक है वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर फिर आपको क्या करना है यू विल वेट फॉर वाइल सो दैट दूरी मर्क्यूरी थ्रेड विल बिकम स्टडी And then you note the temperature. Now take out thermometer from water. देखो अभी ये ध्यान रखना है Take out thermometer from water. Observe carefully that what happens. फिर गर्म पानी में से थर्मोमीटर को निकालना है फिर वो जो थ्रेड होता है ना मर्क्यूरी थ्रेड उसको ऑब्जर्व करना है एंड वॉट happens? नाउ डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वॉटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिनस टू फॉल जैसे ही आप होटर हॉट वॉटर में से थर्मोमीटर को निकालते हो ऑन द ऑन द सेकेंड सेकेंड मतलब सुन एज वॉट विल हैपन दर्क्यूरी लेवल विल बिगिन्स टू फॉल दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन दी वॉटर तो कब टेम्परेचर रीड करना चाहिए वैन द थर्मोमीटर इज इन दॉटर लेट इट बी एनी सब्सटेंस हेयर देर इज अ वोटर हॉट वाटर और एनी अदर सब्सटेंस लेकिन जब थर्मोमीटर वो सब्सटेंस के अंदर हो तभी हमने वो जो रीडिंग है वो लेना चाहिए ठीक है लेट्स गो फर्दर। यू रिकॉल दैट टेकिंग योर ओन टेमरेचर यू हैव टू टेक दर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग फिर तब तो आपने जब क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर एक एक्टिविटी एक की थी जिसमें क्या किया था आपने खुद का टेम्परेचर मेजर किया था फिर उसमें क्या था हमने थोड़ी देर के लिए वी कीप दट थर्मोमीटर बल्ब अंडर दंग इज इट फॉर वन मिनट देन आफ्टर वी टेक इट आउट आउट ऑफ द माउथ ना और फिर हमने वो रीडिंग किया था कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर अब दूसरा क्वेश्चन है तो फिर यह बॉडी टेम्परेचर uh, मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर चलेगा कि नहीं अब यहां पे देखते हैं वंडर्स लेवल ऑफ शुड चेंज एट ऑल वेन बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट अब देखिए यहां पे क्या हुआ जब वो हॉट वोटर में था अपना थर्मोमीटर तो उसका रीडिंग लेना था लेकिन जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला तो क्या हुआ मर्क्यूरी बिगिनस टू फॉल वो क्यों एक्चुअली देखो अभी वो हॉट वाटर में था अब वो बाहर निकाला तो वो एटमोसफियर में आ गया या तो इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर तो अब वो जो टेम्परेचर है उसमें आ गया पहले हॉट वाटर के टेम्परेचर में था तो जो मर्क्यूरी है उसका जो लेवल है वो बिगिनस टू फॉल वो धीरे धीरे नीचे होने लगा ठीक है तो इस तरीके से जो बुज़ो क्या बोल रहा है कि बुझो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल एट ऑल वैन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर कॉन ऑब्जेक्ट अब क्या होगा जब आपने जैसे ही हॉट वेटर में से वो थर्मोमीटर को निकाला तो अब वो क्या मेजर करने लगेगा एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है वो जो कि कम होगा हॉट वाटर से इसलिए जो मर्क्यूरी लेवल है वो फोल डाउन होने लगेगा ठीक है आगे देखते हैं ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस परपज एक्चुअली हमारा क्या प्रश्न था कि भाई बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो क्या बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं? तो क्या बोला ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस परपज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो काम नहीं करेगा वाई डज दर्क्यूरी नॉट फॉल और रेज राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर वैन टेकन आउट ऑफ द माउथ अब जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका जो मर्क्यूरी है जैसे हम हम क्या करेंगे पहले उसका रीडिंग करने के लिए मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहले थर्मोमीटर रखा बाद में उसको बाहर निकालेंगे फार फिर उसमें से रीडिंग लेंगे तो यहां पे एक क्वेश्चन है वाई डज दर्क्यूरी नॉट फॉल और रेज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर वेन टेकन आउट ऑफ द माउथ चलिए उसका आंसर देखते हैं ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन अब फिर से आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब सी हियर देर इज फिगर फोर पॉइंट सिक्स क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक इन इट लेटमी शो यू द किंग सी हि दे किंग ओके दिस इज एंक ओके तो यह जो किंग है वो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है तो वॉट इज किंग शार्प ट्विस्ट और कर यहां पर कैन यू सी शार्प कर अदरवाइज इट इज स्ट्रेट ये जो थ्रेड वाला है पोर्शन अदरवाइज इट इज स्ट्रेट बट इन बिटवीन दर इज ए शार्प ये जो शार्प है उसको क्या बोलते हैं किंक बोलते हैं ठीक है सो ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब इन फिगर 4.6 पॉइंट सिक्स या वी हैव सीन दैट वॉट इज द यूज ऑफ द किंक इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन अब आपको पता चल गया होगा ये किंक क्या काम करता है वो बीच में होता है तो जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को तो जो मर्क्यूरी लेवल है वो फॉल डाउन नहीं होगा वाई बिकॉज किंक इज देअर इसलिए हम जब बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं और फिर उसका मेजर करते हैं रीडिंग करते हैं ठीक है फिर भी मर्क्यूरी लेवल विल नॉट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ दी किंग नाउ यू मस्ट हैव द आइडिया इज इट देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स मर्क्यूरी कैसा सब्सटेंस है एक तो टॉक्सिक है ओके एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी इसलिए अभी जो थर्मोमीटर को यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर इन विच मर्क्यूरी को उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है ओके विद वी आर एंडिंग दिस पार्ट एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस फर्दर टिल दैट वॉच दिस वीडियो टू टू थ्री टाइम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टेक केयर ऑफ योर सेल्व एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन थैंक यू